अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने बुकरम पे राउंड नेक बना लिया है। ये राउंड नेक की गहराई मैंने ली है 9 इंचीज़ और उसकी चौड़ाई भी ली है 9 इंचीज़, और उसको कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है आयरन से, और फिर उसको कमीज़ की जो फ्रंट साइड है उस पर लगाना है। कमीज़ पे लगाते हुए जो राउंड नेक है उसके बिल्कुल साथ साथ कपड़े पे सिलाई लगानी है, और उसके मिडल वाला पार्ट है जो कट कर लेना है। ये ऐसे मिडल वाला हिस्सा कट करके उसको फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड पे, और फिर इसको तरपाई कर लेनी है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन तरपाई से ज़्यादा सफाई आती है। ये नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अंदर वाली साइड पे डिज़ाइनिंग करनी है, और डिज़ाइनिंग मुझे डोरी की करनी है। ये डोरी चाहिए होगी डिज़ाइनिंग के लिए, और न्यूज़पेपर चाहिए होगा। न्यूज़पेपर के ऊपर जो राउंड नेक बनाया था उसके जो बुकरम था इन साइड से कटा हुआ, न्यूज़पेपर के ऊपर वो बुकरम रखना है, और उसके बिल्कुल साथ साथ निशान लगाने हैं। ये भी एक नेक की शेप बन जाएगी। ये निशान लग गए हैं, ये भी मेजर करेंगे तो ये भी 9 इंचज ही होगा, और इसकी गहराई भी 9 इंचज ही होगी। अब मुझे रेडी नेक चाहिए 7 इंचज वाइड, और तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच के फासले पे निशान लगाते जाना है। वो बिल्कुल राउंड निशान लगाने हैं। ये ऐसे ही बिल्कुल निशान लगाए जाने हैं, और फिर इन निशानों को मिला देना है। ऐसे एक और नेक रेडी हो जाएगा। ये निशान लग जाएंगे ऐसे, ये एक बाहर वाली आउटलाइन हो जाएगी और एक अंदर वाली लाइन हो जाएगी, और इसके बीच ही डिज़ाइनिंग करनी है। उसके लिए मैंने डोरी काट ली है। डोरी मैंने ली है 2 इंचज तक लंबी। इसको अब लगाना है न्यूज़पेपर के ऊपर जो बाहर वाली आउटलाइन थी वहाँ। तो ये ऐसे लगानी है जैसे हुक्स बनती हैं, बिल्कुल साथ ही, जैसे डोरी को पहले लगाया तो उसको फौरन ही फोल्ड करके उसके साथ फिर सिलाई लगा देनी है, और ऐसे ही सारी आउटलाइन वाली जो बाहर वाली है वहाँ हुक्स लगा देनी है बना के डोरी की, और साथ साथ लगानी है, ज़्यादा फासला नहीं रखना, साथ साथ लगाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसे डोरी लग जाएगी जो बाहर वाली आउटलाइन पे लगी है, ये बिल्कुल मिडल में आएगी क्योंकि इन साइड जो लाइन है वहाँ भी डोरी लगानी है ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन इन साइड पे लगाने के लिए जो बाहर वाली लाइन है उसमें जो हुक्स बनी थी डोरी में, डोरी को उस हुक्स में से निकाल के एक बार, तो फिर जो इन साइड वाली लाइन है लगी हुई उस पर लगाना है, और वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लगानी है जैसे बाहर लगाई थी, बस हर हुक्स में से निकाल उसको डोरी को गुजार के फिर लगाना है, और बिल्कुल साथ साथ लगानी है, ज़्यादा फासला नहीं रखना क्योंकि जितनी बाहर हुक्स लगी थी, जितनी बाहर डोरी लगी थी उतनी ही अंदर लगेगी। ये रेडी होके ऐसे नज़र आएगा बिल्कुल। अब यहाँ सिलाई लगाई हुई थी डोरी लगाने के लिए, उससे थोड़ा हट के जितना सिलाई में और आ सके और डोरी बाहर ना निकले, आई मीन जस्ट 2-3 पॉइंट के फासले पे उसको काट देना है बिल्कुल सफाई के साथ और बराबर।
ये ऐसे कट जाएगा और इसके अंदर पाइपिंग करने के लिए मगजी निकालने के लिए अरेब कपड़ा लिया है मैंने सूट के साथ मैच करता हुआ और उसको यहाँ से वो काटी थी न्यूज़पेपर और डोरी काटी थी बिल्कुल उसके किनारे पे जहाँ जहाँ सिलाई लगी हुई थी उसके ऊपर रह के सिलाई लगानी है और बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है ताकि जो पाइपिंग होगी मगजी निकलेगी वो बिल्कुल अच्छे से और इक्वल आए। ऐसे मगजी लग जाएगी और इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है लेकिन मैं अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी, जैसे अंदर से काटा था वैसे ही बाहर से काटना है और जो डोरी वाला हिस्सा काट के रखा था उसको नीचे रख के जो कमीज़ का राउंड नेक था उसको ऊपर रख के उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। ये जो न्यूज़पेपर पे नेक रेडी हुआ है ये बिल्कुल जो कपड़े पे नेक रेडी है उसके बराबर होगा क्योंकि उससे मेजर करके ही लिया था। तो ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाना है जो डोरी पे सिलाई लगी हुई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। ऐसे लग जाएगा। अब जो न्यूज़पेपर लगी हुई है उसको ऑफ़ कर देना है। और जो मगजी वाला कपड़ा था इसको फोल्ड कर लेना है, तरपाई कर लें या सिलाई लगा लें जो आपको ठीक लगे। ये नेक बिल्कुल रेडी हो गया, देखें कितना खूबसूरत नेक बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।